भाई पेट्रोल भर देना। हाँ भाई भरता हूँ। अरे अरे बस 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 बस, अरे बस इतना ही। हाँ भाई बस इतना ही काफी, बहुत कम पीती है गाड़ी। ठीक है चलेगा, चलो थैंक यू। चलो नशीबन थट्टा आज मांडनी, नशीबन थट्टा आज हेलो गाइज वेलकम बैक। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज आपके लिए लेकर आए सिडी 100 SS। हीरो होंडा की मैन्युफैक्चर्ड ये बाइक है, जो कि सिडी 100 जो लॉन्च हुई थी उसका एक प्रेडिसेसर कह सकते हैं, या फिर उसी का आगे का अपडेटेड मॉडल कह सकते हैं। अपडेटेशन के अंदर गाड़ी के अंदर सिर्फ कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस दिए गए थे, आगे डिस्कस करेंगे उस गाड़ी के बारे में। इस गाड़ी की हिस्ट्री की बात की जाए तो मेन बात इस गाड़ी की ऐसी, ये गाड़ी जिस एरा में लॉन्च की गई थी हीरो होंडा की तरफ से, सबसे पहली बात तो हीरो होंडा की फर्स्ट बाइक थी इंडिया के अंदर जो लॉन्च की गई थी, और दूसरी बात ये उस टाइम पे लॉन्च की गई थी जिस टाइम पे RX 100, RX 135, उसके बाद में RX Z, ESD, सुजुकी शाओलिन, शोगन, इस जैसे गाड़ी का रोला हुआ करता था। ये गाड़ी पूरे रोड के ऊपर अपना दबदबा बना के चलती थी, मगर ये गाड़ी उस सेगमेंट में लॉन्च की गई थी उस लोगों को दिमाग में रखते हुए कि आप जैसे जानते हो टू स्ट्रोक इंजन था उस गाड़ियों में, तो उन गाड़ियों को टू स्ट्रोक इंजन होने के बावजूद उसके अंदर माइलेज की बहुत किल्लत आती थी, माइलेज नहीं दे पाती थी गाड़ी, इकोनॉमी के मामले में बिल्कुल ही डल गाड़ियाँ हुआ करती थी। परफॉर्मेंस के मामले में बेशक वो गाड़ियाँ बहुत प्यारी थी, आज भी है। तो ये उस सेगमेंट में लॉन्च की गई थी जिस सेगमेंट में लोगों ने बहुत प्यार दिया इसे, जो कि आज तक भी देते हैं। गाड़ी हाई माइलेज और कम से कम परफॉर्मेंस, कम से कम भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है गाड़ी। चलाने पे आप कभी ऐसे बोर नहीं होंगे कि यार गाड़ी बहुत ढीली चल रही है, धीमी चल रही है। आगे इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे गाड़ी के। तो फिर अभी सीधे गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हैं। सीडी 100 जो मॉडल लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर वो 1985 में लॉन्च हुआ था। 1985 से 1991 तक वो मॉडल चला, उसके बाद में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करके 1991 में ये मॉडल लॉन्च किया गया सीडी 100 SS नाम से। अभी क्या कॉस्मेटिक चेंजेस थे, आप जो ये स्टिकर्स देख रहे हो, एक्चुअली जब इस गाड़ी को रिस्टोर किया गया तो इन्होंने सीडी 100 के ओल्ड वाले ही स्टिकर्स लगाए। ये सीडी 100 के स्टिकर्स है, सीडी 100 SS के जो स्टिकर्स आया करती थी वो मैं इधर आपको तस्वीर डाल दूंगा, आप तस्वीर देख के समझ जाओ इसका और उसके डिफरेंस में। ये स्ट्रेट स्ट्रिप वाले स्टिकर्स आया करते थे, तो यही तो फ़र्क था कॉस्मेटिक चेंजेस से, मेरा मतलब यही फ़र्क था कि गाड़ी के अंदर सिर्फ फ़र्क दिया गया था स्टिकर्स का, बाकी इंजन भी सेम दिया गया था सीडी 100 का और सीडी 100 SS का। कॉस्मेटिक चेंजेस, इसका स्टैंड थोड़ा सा लंबा है साइड स्टैंड, उसका स्टिकर्स अलग है, इसका स्टिकर्स अलग है, और चेसे में कुछ छोटे मोटे चेंजेस दिए गए थे, बाकी ओवरऑल गाड़ी बिल्कुल सेम थी। अब बात करते हैं कि गाड़ी के अंदर और उस टाइम के हिसाब से क्या चेंजेस दिए गए थे, क्या नई चीज़ दी गई थी। तो गाड़ी के अंदर दिया गया था 4 स्ट्रोक का इंजन उस टाइम के अंदर, जब 2 स्ट्रोक का इंजन रोला मचा रहा था अपना, बिल्कुल छाप पकड़े हुआ था बिल्कुल रोड को कि 2 स्ट्रोक इंजन ही सबसे बढ़िया है। तो उस टाइम पे हीरो होंडा ने अपनी गाड़ी लॉन्च की 4 स्ट्रोक इंजन के साथ में। इंजन प्रोड्यूस करता है 7.5 BHP का पावर और 7.2 Nm का टॉर्क। सुनने में बहुत कम लगता है, चलाने में बहुत ही मज़ेदार बाइक है अगर देखा जाए तो। और उसके बाद में अगर बात करें बाइक के माइलेज की, तो भाई माइलेज के मामले में आपने देख ही लिया इंट्रो में, वो तो बस एक मेटाफोरिक वीडियो था। अगर एक्चुअल माइलेज की बात की जाए तो 75 से 80 km/L देती है, जो कि बहुत ही बढ़िया माइलेज है उस टाइम के हिसाब से भी और इस वक्त के हिसाब से भी। आज भी लोग इसे उतना ही पसंद करते हैं जब उस टाइम में लोगों ने इसको जितना प्यार दिया। 1991 से तो 2004 तक इस गाड़ी का प्रोडक्शन चला। 2000 के आसपास कुछ Y2 के नाम से एक इसके अंदर इंजन के अंदर अपडेट दिया गया। अब Y2 के क्या होता है मैं उसका फोटो यहाँ पे डाल दूंगा, गाड़ी के अंदर नहीं, ये वाला मॉडल पुराना मॉडल है तो इसके अंदर नहीं है दिखाने के लिए। Y2 के जो चीज़ इसके अंदर बिठाई गई थी वो चीज़ ऐसी है, आजकल स्प्लेंडर्स में देखने मिलती है, एक बूस्टर टाइप आया करता था गाड़ी के अंदर, जिससे गाड़ी का थोड़ा सा परफॉर्मेंस और अच्छा हुआ था और माइलेज में भी गाड़ी और अच्छी हुई थी। तो अब फिजिकल अपीयरेंस में अगर गाड़ी की बात करते हैं, फ्रंट से अगर देखा जाए तो स्क्वायर हेडलैम्प आता था गाड़ी का, स्क्वायर इंडिकेटर इंडिकेटर्स के साथ में। अब इसके अंदर जो हेडलैम्प लगाया गया है वो एक्चुअली ओरिजिनल हैलोजन आया करता था, इसके अंदर इन्होंने LED लगाया है मॉडिफाई करके। अब गाड़ी के साइड से बात करते हैं, गाड़ी में आगे पीछे दोनों तरफ भी ड्रम ब्रेक्स आया करते थे, और गाड़ी के आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन था, पीछे कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन था, जैसे कि उस टाइम के दौर के गाड़ियों में आया करता था। गाड़ी के अंदर अब अच्छे से अगर देखें तो इसके अंदर मेन चीज़ दी गई थी, ये था 4 स्ट्रोक इंजन। गाड़ी के अंदर 4 स्ट्रोक इंजन दिया गया था, बहुत ही सिंपल और एकदम मतलब क्लीन चीट डिज़ाइन था गाड़ी के अंदर, कुछ ज़्यादा छेड़खानी या फिर कुछ ये टॉर्क इंडक्शन वाली चीज़ें वगैरह कुछ नहीं दी गई थी गाड़ी के अंदर। किक स्टार्ट दिया गया था, मैनुअल स्टार्ट,
ब्रेक गाड़ी का। गाड़ी 100cc के इंजन के साथ में आती थी, 97cc देती थी एक्चुअली वो, पर 100cc की ब्रांडिंग की है जैसे कि होता है। टेल लैंप है, स्क्वायर शेप में ही टेल लैंप आया करता था, स्क्वायर शेप में ही गाड़ी के टर्न इंडिकेटर्स थे। उसके बाद में अगर गाड़ी की साइड से बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं है गाड़ी के अंदर, एक साइड से पॉकेट दिया करते थे एक पैनल के पीछे, उधर से भी ऐसे ही पैनल दिया करते थे। स्पोक व्हील्स में आया करती थी गाड़ी। उसके बाद में अगर गाड़ी के स्विचेस एंड मीटर्स की बात की जाए, मीटर के अंदर स्पीडोमीटर और किलोमीटर का गेज दिया जाता था, स्विच ऑन ऑफ दिया जाता था, यहाँ पे न्यूट्रल दिया जाता था, इंडिकेटर। अब स्विचेस में बात करें तो टर्न इंडिकेटर दिए जाते थे हाथ में, लेफ्ट राइट, यहाँ से लाइट का बटन ऑन करने के लिए, लाइट का स्विच है, मतलब ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, ये हाई ये लो बीम के लिए। राइट साइड में कुछ भी नहीं दिया जाता था, ये ब्रेक ये क्लच और गाड़ी की फिजिकल अपीयरेंस में इतना ही चीज़ें हैं। बहुत ही एकदम ही सिंपलीफाई, मतलब एकदम सिंपल डिज़ाइन दिया जाता था गाड़ी के अंदर। तो अब हम लोग बिल्कुल रेडी है राइड एक्सपीरियंस करने के लिए बाइक का। और ये रहा इसका स्विच, हमने स्विच को किया ऑन, न्यूट्रल की लाइट चालू है। अब गाड़ी को करते हैं किक स्टार्ट। ये जो गियर शिफ्टर है इसका 4 अप है, एक भी डाउन नहीं, 1 डाउन 1 अप नहीं है। बहुत बारिश आ रही है गाइस, तो थोड़ा सा अगर कुछ क्लैरिटी में दिक्कत हो तो समझ लेना कि बारिश में शूट कर रहे हैं। पुट इट इन अ फर्स्ट, क्लच को रिलीज करते हैं और राइड चालू हुआ। इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। थर्ड एंड फोर्थ, गाड़ी एकदम सॉफ्ट पिकअप ले रही है भाई। मतलब मैं जैसे ही बोला आपको पहले कि गाड़ी के अंदर पावर ज़्यादा फील नहीं होता है, पर गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यस इंडीड, गाड़ी बहुत ही सॉफ्ट है, गाड़ी का सस्पेंशन भी बहुत सॉफ्ट है, लॉन्ग टूर में यूज़ कर सकते हैं। माइलेज की बात तो आपने देख ही, कितना भी लॉन्ग टूर करोगे तो आपको जेब पे भारी तो बिल्कुल ही नहीं पड़नी है गाड़ी, ठीक है। तो अभी 40 किलोमीटर्स पे चल रहा है, इकोनॉमी पे अच्छी चल रही है गाड़ी। इसका फायरिंग का ठीक है, फायरिंग भी नाइस। अब चलते हैं एक्सेलरेशन और देखते हैं ब्रेकिंग। ओ ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है गाड़ी की, ड्रम ब्रेक होने के बावजूद भी ब्रेकिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रही है गाड़ी। अब आगे वाले गियर में डालते हैं। अब हमें ऐसे है कि यू टर्न लेकर देखते हैं गाड़ी का स्पीड। और जो स्टेबिलिटी की बात है तो गाड़ी यस अच्छी कहूँगा मैं स्टेबिलिटी के मामले में। गाड़ी का डिज़ाइन बहुत हल्की है गाड़ी, गाड़ी का कर्व वेव सिर्फ 116 kg है और गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 135 mm है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़े से ख़राब टेरेन में नहीं चल पाएगी गाड़ी। देखते हैं 0 to 60 कितने डेट में जा पाती है। अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं, देखते हैं 1 2 3 ठीक है। सेकंड गियर 40, अब थर्ड में पुट किया हुआ गाड़ी का और 60 टच और फोर्थ ठीक है। गाड़ी ने इनिशियल पिकअप तो दिया है ठीक है, इतना ही खींचते है गाड़ी का, ऑलमोस्ट 80 तक चले गए थे हम लोग। गाड़ी का इनिशियल पिकअप अच्छा था, पर उसके बाद में जैसे कि आपने देखा गाड़ी का बेस भी कम है और टॉर्क भी कम है, तो उसके बाद में इनिशियल बहुत अच्छा दिया है गाड़ी ने उस हिसाब से, और उसके बाद में फिर वो कंटिन्यू नहीं रख पाए उस पावर को, क्योंकि गाड़ी पावर ओरिएंटेड नहीं है। गाड़ी दी गई थी तो माइलेज ओरिएंटेड और एक इकोनॉमिकल गाड़ी बनाई गई थी हीरो होंडा की ओर से। तो इस हिसाब में मैं गाड़ी को सही में बहुत अच्छा कहूँगा, गाड़ी ने बहुत से दिलों पर राज किया है, बेशक गाड़ी उसे लायक भी है, बहुत ही प्यारी गाड़ी है। और फिर अब गाड़ी के कंक्लूजन की बात करूँ तो गाड़ी सही में प्यार करने लायक गाड़ी है, बहुत ही प्यारी है। आसिफ भैया को स्पेशल थैंक्स दूंगा मैं कि उन्होंने उनकी गाड़ी के ऊपर शूट करने का भी मौका दिया। गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते होगे तो, मतलब ये गाड़ी तो नहीं है बेचने के लिए, और ऐसी गाड़ी अगर आप सोच रहे हो कि हम खरीदें या ना खरीदें तो बेशक खरीदें, आज के डेट में तो बेशक खरीदें, क्योंकि गाड़ी का माइलेज इतना अच्छा है कि आपके जेब पे बिल्कुल भारी नहीं पड़े। ये गाड़ी कोई भी कंडीशन में अगर बाइक हो तो भी खरीद लीजिएगा, सिर्फ पेपर्स देख के खरीदेगा। और दूसरी बात गाड़ी की अगर इसकी करते हैं मेंटेनेंस की बात करते हैं गाड़ी के, तो मेंटेनेंस में भी बाइक का कुछ इतना खर्चा है नहीं, बट 4 स्ट्रोक होने के वजह से कभी कुछ वॉल्व खराब होता है या होता है तो गाड़ी का थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा जा सकता है। फिर भी जाकर 2 या 3 हज़ार के अंदर गाड़ी का पूरा काम हो सकता है। और नॉर्मल सर्विसिंग की बात करें ऑयल चेंज की, तो गाड़ी 1000 के अराउंड पूरी सर्विसिंग हो जाएगी।
तो यही थे आज की गाड़ी के बारे में, सिटी एंट्री रेसेस। बारिश बहुत हो रही है तो प्लीज़ एफर्ट्स को लाइक ज़रूर कर देना, एफर्ट्स देख के पूरे बारिश में वीडियो शूट कर रहे हैं। एंड थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर तो ज़रूर करना, और गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। अगली गाड़ी कौन सी आपकी करनी चाहिए वो भी बताना। थोड़ा सा वक्त लग रहा है गाड़ियों करने में, क्योंकि गाड़ियाँ अवेलेबल करने में, शूट करने में थोड़ा सा वक्त जाता है, एडिटिंग में वक्त जाता है, आप जैसे कि समझ सकते हो इस बात को। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। If she let me get on it, yeah. So come here, baby, listen close.